आप सभी कैसे हैं। सो मीशो पे आपको ये अवेलेबल होगा, ये जो प्रोडक्ट है ये है ग्रीन मास्क स्टिक। तो आप सबने तो ये देखा ही होगा और इसका रिव्यूज काफी ज्यादा आ रहे हैं और जो वीडियोस जो वायरल हो रही है वो दिखा रहा है कि यदि आपका जो स्किन है उस पर पिम्पल्स है या फिर ब्लैक हेड्स है तो इसके अप्लाई से आप उसको बिल्कुल रिमूव कर दे, मतलब बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं वो। तो बहुत सारी वीडियोस देखी और इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वो आपकी स्किन को, आपके फेस को किस तरह से वो बिल्कुल ही स्मूथ बना देता है, वो पिंपल फ्री बना देता है। तो आज मैं इस पर अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी कि लिटरली ये सही है या इसको खरीदना कितना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिटेड होगा या नहीं होगा। तो मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी क्या ये सच में बहुत ही वर्दी है खरीदने के लिए, क्या लोग कोई खरीदना चाहते हैं। अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। सो इसमें एक कवर है, ऐसे करके ये कवर है, देन ये है, इसको अप्लाई करना है इस तरह से, जैसे लिपस्टिक होती है ना उस तरह से इसको ऐसे ऐसे करना होता है। ओके, ये मूवेबल है और इसको मैं थोड़ा सा अपना इस पोर्शन में लगाती हूँ, नहीं इस पोर्शन में लगाती हूँ, थोड़ा सा लगाऊंगी इसको। सो सेंसिटिव एरिया में नहीं लगाने का है क्योंकि आईज के आसपास नहीं लगाना है, हो सकता है उससे नेगेटिव इफेक्ट आए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको लगा लिया है। ओके, और यहाँ पर मैंने लगा लिया है इसको, यहाँ पर मैं थोड़े से आई थिंक पिंपल्स होंगे, थोड़े से दाने हैं, तो मैंने उसको लगा लिया है और अब देखेंगे कि इसका कितना इम्पैक्ट आता है मेरे फेस पर। और हम इसको अभी थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख देते हैं, लेट सी कि क्या हमें देखने को मिलेगा। सो मैंने सिर्फ इतने पोर्शन पे लगाया है क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना बाद में क्रिएट हो जाए फेस पर, इसीलिए। सो आप वेट करते हैं इसको सूखने का थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा वो है स्टिकी है, सो इसको सूखने के लिए वेट करते हैं। और मुझे इसकी ना कुछ स्मेल अजीब सी लग रही है, मुझे ना खांसी टाइप की आ रही है इसको लगा के, मतलब सच में मतलब अजीब सा है इसकी ना स्मेल, कुछ अजीब सी है स्मेल, अच्छी नहीं है इसकी। इसमें मुझे लगता है ना विक्स यूज किया हुआ है क्योंकि वैसे वैसे स्मेल आ रही है विक्स की तरह। सो इसको मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि इसको मैं बंद कर देती हूँ और हम वेट करते हैं इसको सूखने के लिए। सो इसको हमने ड्राई होने के लिए रखा हुआ है और ये अभी हल्का हल्का ड्राई हो रहा है। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए हैं और मैं वॉश करके आती हूँ और फिर दिखाऊंगी कि इसका क्या इम्पैक्ट मेरे फेस पर दिखा है और कितना ज़्यादा ये यूज़फुल होगा आपके लिए। सो मैं अब आती हूँ। मैंने फेस कर लिया है क्लीन और मुझे कुछ इफेक्ट नहीं नज़र आया, जैसे पहले था वैसे ही है और सेम वैसे ही है, कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर मेरे को हल्का सा पिम्पल से कुछ नहीं हुआ है उससे और मुझे नहीं लगता कि कुछ हुआ है और ना ही मेरी जो स्किन है वो हुई है थोड़ी सी अच्छी मॉइस्चराइज हुई है, वो कुछ नहीं हुआ है। इट्स लाइक अ वो नहीं होती है पुट्टी जो कि इट्स लाइक वो पुट्टी होती है ना दीवारों पे करने वाली, जब आप उसको लगाते हो और उसको वॉश करते हो ना तो आपकी स्किन पर एक वाइट सा टेक्सचर रह जाता है जो सेम एज यदि आप वो लगाते हैं ना मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं तो वैसा वैसा हल्का सा वाइट टेक्सचर हो जाता है, या वो ना उस तरह का है जैसे वो नहीं होता जब हम दीवारों पर पुट्टी करते हैं ना वाइट वाइट वाला, तो वो पुट्टी की तरह है ये, जो आपके लिए बेनिफिट नहीं है, वो इवन पोर्स को ब्लॉक कर रही है, मुझे तो ऐसे लग रहा है। और इसको खरीदने का कोई मतलब है नहीं, पैसे वेस्ट जाएंगे क्योंकि ना तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र दे रही है ना ही ये आपके ओपन पोर्स को
बंद कर रही है, ना ही वो आपके पोर्स को डर्ट फ्री कर रही है। इट जस्ट लाइक कि आप यदि इसके अप्लाई करते हैं तो आप जब उसको वॉश करेंगे अपना, धोएंगे अपना फेस, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके चेहरे पे थोड़ा वाइटिश वाइटिश हो गया है, मतलब थोड़ा सा ऐसे लगता है ना पाउडर लगाते हैं उसके बाद वाइट वाइट हो जाता है, तो उसी तरह से आपको फील होगा और कुछ उसमें नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिनके सेंसिटिव स्किन है या जिनको थोड़ा स्मेल से प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कुछ सो इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर कमेंट।